रेपिस्ट को बेल मिलती है, साला खूनी को बेल मिलती है, तो एक्सीडेंट वाले को बेल नहीं मिलेगी। बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट में फर्क ये होता है भाई। एक चक्कर मारा ना भाई, खुदा का वास्ते ना दास भाई, मार को फोन करो, हम कोर्ट में पेश करेंगे, तुम्हें देंगे पैसा उसको और सरेंडर बताएंगे। तुम लोगों के पास, सारे लोगों के ऊपर कोई ना कोई एक्सीडेंट केस है, छः छः आठ आठ साल लगते हैं एक केस की सुनवाई होने में, कुछ नहीं होना है, आराम से जाइए। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। पहले तो रूठे पहिए, अब ड्राइवर भी हटे पीछे, समझाते फिर रहे मालिक। दोस्तों, एक ऑडियो जमकर वायरल हो रही है, एक ग्रुप में आई थी और हरियाणा की बताई जा रही है। इसमें ड्राइवर और गाड़ी मालिक के बीच बातचीत हो रही है और बातचीत बड़ी दिलचस्प है। जी हाँ, इन दिनों ये दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि चारों तरफ हिट एंड रन को लेकर कहीं ना कहीं हल्ला गुल्ला हो रखा। कहीं गाड़ी मालिक कुछ कह रहे हैं तो कहीं ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ रहे हैं, काम बदलने को मजबूर हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। और इस बीच ऐसी ऑडियो का वायरल होना वाकई में अपने आप आंखें खोल देने जैसा है। जरा सुनिए ये ऑडियो क्या कहती है। हेलो, मैं वो पार्ट वाला सामान कर रहा हूँ, मैं ना 10 भरन भाई। अच्छा, ठीक है भाई, एक चक्कर मारा ना भाई, खुदा को वास्ते ना दस भाई, मैं पैसा का लठ मत दिया था मेरे पे है। भाई देख सुन, मेरे पास पैसा की बात ऐसे तो देवे तेरे खुशे, ना देवे तेरे पे मजदूरी, मेरे नहीं है, बेशक खड़ी कर जाइए, मैं तो सीधी कहूँ फिलहाल का बेरा है। फिर फिलहाल भाई हम लोग कुछ भी ना दे सके, हम लोग भाई कुछ तो देगो घर लो, भाई घर लो जान लो तो देगो, हम लोग 2-4 हजार तो देगो भाई, हमारे पैसा ना हमारे भाई तब दे देते, तेरे मन में ना दे तो कोई बात ना भाई, हम तो सुनू ना करे दबाव दे रहे हैं तो भाई 2-4-5 हजार हम लोग दे दो, हम घर लो चले जाएंगे भाई, जब तेरे हिसाब किताब तो बन जाए तो दे दीजो, और ना दे तेरा खुदा भात दे दीजो, ना दे कोई बात ना, हम तो देख इज्जत खड़ी करके जाएंगे। खड़े पास ये भाई, हमने तेरा खूब कौन मेरी बात, दुनिया बैठी हमने तेरे खूब चक्कर लगाए, दुनिया आज सुना बैठी, हमने कोई तेरे बुरा वक्त में कोई साथ ना दियो, हमने खूब एक महीने बिता मेरा भाई। अब सुन, तेना तो हम एक महीना से हुसूर हो तक तो हम परेशान कर दिया, चल हमने तो तू ना करो, हम तो अब भी ना करा, और हम तो सुन मेरी बात, हम अब तू करो परेशान के भाई, पैसा ना मुझे लठ मत दियो भाई, हम लोग 2-4 हजार दे दो, हमारे घर लो चले जाएंगे 2-4-10-5 दिन में तो जरूरत पड़े, वे भी तो होने जरूरी है। अब देख सुन मेरी बात, किसकी गाड़ी रो भरी, किससे की नहीं रो भरी भाई, सुन मेरी बात, देख मेरे पे काल भी फोन आयो, सारे गांव में से सारे ड्राइवर एक भी ना हारो भाई, 2-4 दिन में तेरी जरूरत पड़े तो हम जब मैं तेरे न्यू कर ला रहा भाई, तेरे पीछे लकड़ जाएंगे। अरे पैसा की कोई बात ना भाई, सीट दे कैसे गाड़ी घोड़े, एक तो टायर खत्म अगलो सीधी नंबर वन बात, वो तो कर लूंगा मैं, वो तो मन में भी मेरा है। अब पैसा निकलने की बात ऐसी, अब तुम वो चलवा खूब चलवा भाई, ऐसी कोई दिक्कत ना भाई, मुझे लिखवा के दे दे भाई, तू जिम्मेदार रहेगा, कोई बात होगी कोई बात, जब मतलब मैं इतना मतलब जबान दे दी थी, इसका भी भरोसा ना, एक चक्कर मारा पैसे खड़ी कर दिए, अब मैं तो कहते रहा हूँ तुम लिखवा के दे दे भाई, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं तो फोन मतलब इतना एतबार को नहीं मरा। अब एतवार की कहा बात यार, मैं कहते रहूँ तो उसमें तेरी परमानेंट चलाऊंगा, तो लिखवा के दे दे, मुझे लिख कर दे दे भाई, मैं हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, जब मैंने कह दी ना अभी इस चक्कर में तेरा कुछ हो गया, मैं एक चक्कर का जिम्मेवार मैं हूँ। अब यार यार अपना बेशक खड़ी कर दिए, लिखवाया मैं दोया का लिखवाया, कोई बात ना, मोर को धंधा देख लेंगे, तुम किसी और की चला लियो, एक चक्कर की बात ना, मोर लिखवा के दे दे मेरे पे तो परमानेंट चलवा लीजो भाई, मैं तेरे एक चक्कर की कह दी, मैं जिम्मेवार हूँ, कुछ हो गया था ठीक है, अब मैं कहना रहा हूँ तो उसमें परमानेंट चलाऊंगा, मैं आग लाऊंगा ना, मैं सारिया मैं एक कमर वाऊंगा। अब तुनु और कहे फिर खा मैं खा तुनु कह यार, तुम यू करो लिखवा दी मैंने सारी, लिखवा तो लिखवा दो, 2-4 और लिखवाऊंगा, हम करते हैं ना यू धंधा न, बात तेरी सही है भाई, देख सुन मेरी बात, ऐसे तुम वो परमानेंट चलवा, मैं ना कोई एक्सीडेंट होगा तो ठीक से, मैं ना जाता भाई, मैं ना जाता तो ठीक से, अपने भाई ने कहा। सुन लिया आपने क्या बातचीत हो रही है, ड्राइवर कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है जरा लिख कर दीजिए तभी आगे जाऊंगा, और गाड़ी मालिक गड़गड़ाता नजर आ रहा है कि भैया ऐसा कर, यही एक रूट कर ले, इसके बाद जैसी तेरी मर्जी, यानी कि ये स्थिति आ गई है, अब आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। और ये ऑडियो ऐसी है कि जमकर वायरल हो रही है, ड्राइवरों में ये काफी चर्चा बटोर रही है। और अब जरा देखिए ये वीडियो, दक्षिण भारत में हड़ताल के बाद ये वीडियो सामने आई है, यहाँ पर भी ड्राइवरों ने गाड़ी चलाने से अपने मालिकों को मना कर दिया। जी हाँ, किसी कंपनी का ये वीडियो नजर आ रहा है और इसमें कंपनी का ही एसोसिएट ड्राइवरों के सामने क्या क्या बातें कर रहा है, किस तरह उन्हें समझा रहा है, जरा सुनिए। ये हिट एंड रन के लिए, एक्सीडेंट के लिए नहीं, जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप भाग जाते हैं, उसके लिए
एक्सीडेंट के लिए ये इशू है, आप मत भागो। अगर चीज आपको लगता है कि भाई पुलिस स्टेशन जाने से भी सॉल्व नहीं होगा तो आप हमारे बंदों को फोन करो, हम अगले 12 घंटे में हमारे बंदे को आपके पास भेज के वापस पुलिस स्टेशन में ले जाकर आपकी जेल करवा के आपके बाहर निकाल देंगे। ये मेरी रिस्पॉन्स है, आप लोग चिंता मत करो, आपको एक रुपया देने की जरूरत नहीं है। और भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो उनको वहाँ से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है, वो केसेस की जिम्मेदारी है, और जब तक आपके घर पर आपकी सैलरी पहुँचने की भी जिम्मेदारी है। खुदा ना खास्ता सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बिल नहीं मिल पाती, एक 8-10 दिन हो जाते हैं, महीना हो जाता है या साल हो जाता है, तो आपकी सैलरी आपके घर तक पहुँचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। मैं पर्सनल अश्योरेंस दे रहा हूँ तुम्हें, जितने ड्राइवरों को मेरे से बात करवाना है बात करवाओ, मेरे अल्फाज मान रहे हैं। आपको राइटिंग में चाहिए कंपनी राइटिंग, बेल पुलिस स्टेशन में मिलना अलग होता है, बेल कोर्ट में मिलना अलग होता है, ये नॉन अवेलेबल कर रहा है तो बेल नहीं मिलेगी, ऐसे में यार कोटा में बेल मिलती, ये तो एक्सीडेंट है। तो अवेलेबल लॉ अलग है, अवेलेबल लॉ मतलब जैसा 420 है, 420 में आपको अरेस्ट करेंगे, पुलिस स्टेशन में ही एक बॉन्ड पे बेल दे देंगे। और नॉन अवेलेबल ये होता है कि आपको कोर्ट से बेल देनी पड़ेगी, पुलिस स्टेशन पे बेल नहीं, तो ये नॉन अवेलेबल है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बेल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कोर्ट में मिलेगी, जिसके लिए 5 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, बेल मिलेंगे। किसी का खून नहीं किया है, किसी का रेप नहीं किया है, रेपिस्ट को बेल मिलती है, सलाखूनी को बेल मिलती है, तो एक्सीडेंट वाले को बेल नहीं मिलेगी क्या? खाली एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये अवेलेबल वारंट और नॉन अवेलेबल वारंट में फ़र्क ये होता है कि अवेलेबल वारंट का जो बेल है वो पुलिस स्टेशन में मिल जाता है, नॉन अवेलेबल वारंट नॉन अवेलेबल वारंट जो ऑफेंस होता है उसकी बेल सिर्फ कोर्ट में मिलती है, पुलिस स्टेशन में नहीं मिलती है। तो ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस में डाला हुआ है, पहले ये अवेलेबल ऑफेंस में था, अब नॉन अवेलेबल ऑफेंस में, फ़र्क इतना ही। या अगर जी आपको लगता है कि भाई पुलिस स्टेशन में भी हमको हेल्प मिलेगी तो हमारे को फ़ोन करो, हम कोर्ट में पेश करेंगे तुम्हारे को, मत भागो ना यार, क्यों भागना है? आपको डर ही है ना, आपको अपनी जान का डर है, मैं भी रहूँगा तो भागूंगा, वहाँ पर ठहरूंगा तो मार डालेंगे मेरे को, मेरे को पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन वाला मैक्सिमम क्या करेगा यार, मैं ये बताऊंगा तू, मैं तेरे को अरेस्ट करके लाया, तू सरेंडर नहीं किया, यही बोलेगा ना, लेगा पैसा, वो देंगे पैसा उसको, देंगे और सरेंडर बताएंगे अगले 24 घंटे, 36 घंटे या एक हफ्ते में बेल हो जाएगी, जो हमेशा होती है हमको तुम लोगों के साथ। तो इसमें चिंता वाली बात नहीं है, ये कानून लागू भी हो जाता है तो कुछ नहीं है, सब खाली एक मिथ है। 10 साल की जो जेल है वो जुर्म साबित होने के बाद में, तुम लोगों के ऊपर सारे लोगों के ऊपर कोई ना कोई एक्सीडेंट केस है, अब तक किसका रिजल्ट आया है भाई? 6-6, 8-8 साल लगते हैं एक केस की सुनवाई होने के लिए, तो सुनवाई होके जजमेंट के बाद में सजा है, एक्सीडेंट के बाद में 10 साल आपको अंदर नहीं जाना है। एक्सीडेंट हो गया, केस बुक हो गया, आपको बेल मिल जाएगी, केस चलेगा, वो केस लड़ने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। केस अगर कि अपन हार जाते हैं तो 10 साल की सजा है, फिर भी वो भी लोअर कोर्ट में है, लोअर कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट है, बेल तो हर जगह है ना। तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे जब तक तुम्हारा कोर्ट केस का नतीजा आएगा, कुछ नहीं होना है, आराम से जाइए, हम पीछे हैं, ये मेरा अपना वादा है, मेरा अपना कमिटमेंट, और मैं अपने कमिटमेंट से बाहर नहीं जाऊंगा। अगर जो तुम लोग गाड़ी नहीं चलाओगे तो सलाह कंपनी क्या बचेगी? सुना आपने क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं? कहा जा रहा है कि अगर कुछ भी होगा मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। और ये अकेले नहीं है जो अपने ड्राइवरों को समझा रहे हैं, कई कंपनियों के मालिक एसोसिएट इस तरह की बातें कर रहे हैं, ड्राइवरों को समझा रहे हैं। अब ड्राइवर है भाई, रोड पर निकलने से डर रहे हैं, आखिर डरे क्यों ना। लेकिन हाँ, आपको बता दें, अगर आप बिना इंश्योरेंस के निकलते हैं तो डरने वाली बात है। तो इंश्योरेंस अपने पास रखें और इंश्योरेंस करवाने के लिए ट्रांसपोर्ट मॉल से संपर्क करें 90831 90831 पर। अब इस एसोसिएट की बात सुनकर जो इन्होंने बताया, समझाया ड्राइवरों को, इनको सुनकर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे देना है ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए धन्यवाद।